हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एडवेंचर एंड कुकिंग। तो आज मैं आपके लिए आलू बैंगन की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की आलू कट कर ली है इस तरीके से, और तेल गर्म करके उसमें मैंने उसे फ्राई होने के लिए रख दिया है। आप उबाल कर ना डालें, इस तरीके से ही फ्राई करके डालें। मैंने यहाँ पे कच्चा आलू का यूज़ किया। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और उसे ढककर पकाएंगे, ताकि ये जब तक ये फ्राई होगा तब तक अच्छी तरीके से ये गल भी जाएगा अंदर से। और ये देखिए फ्राई हो चुका है, 4 से 5 मिनट से लगे फ्राई होने में। और जैसे ही फ्राई होगा, मैंने यहाँ पर बैंगन को कट कर लिया है। आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं, मतलब जैसे वो थोड़ी वाइट वाली होती है, अलग अलग कलर की बैंगन आते हैं, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। उसे सेम ऑयल में मैंने बैंगन को डाल दिया है और इसे ढककर नहीं पकाना है। आपको याद रखना है कि इसे हमें ढककर नहीं पकाना है और इसे हम फ्राई करेंगे। और जैसे ही देखिए इस तरीके का ये फ्राई हो जाएगा, आपको ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल कम तेल, जितना तेल मैंने इसमें रखा था उसमें उतने में ही ये फ्राई हो चुका है। और इसे निकाल लेंगे। अगर आप ढककर पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गल जाता है, फिर ये डालने लायक नहीं रहेगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा इसका, बिल्कुल ये गल जाएगा। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाला है, जीरा डाला है 1 टीस्पून, और 2 मैंने तेजपत्ता के पत्ते डाले, तेजपत्ता डाला है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है। और थोड़ी देर जैसे ही ये थोड़ा स्प्लटर हो जाएगा अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा मैंने हींग डाला है, तब तक इसे हम पकाएंगे। और यहाँ पर जब तक वो पकता है, मैंने अदरक लहसुन और प्याज को इस तरीके से चॉप कर लिया, फाइनली चॉप। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर चॉप करके इस तरीके से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको चॉपर ना हो तो आप थोड़ा फाइनली इसे कट कर लें, हाथों से ही ये कट आसानी से हो जाता है, पर इससे चॉपर से टाइम कम लगता है। और जैसे ही अच्छे तरीके से फाइन हो जाता है, चॉप हो गया, मैंने इसमें डाल दिया और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। फ्लेम आपको मीडियम ही रखना। ये देखिए प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब उसी सेम चॉपर में हम प्याज टमाटर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं। आप थोड़ा ज़्यादा टमाटर का यूज़ करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और टमाटर को भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे, हमें पीसना नहीं। अगर आप कुछ चाहे तो आप पीस भी सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। पर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, इस तरीके से चॉप करके अगर आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और जैसे बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो वो भी खाना पसंद करने लगेंगे आप, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए मैंने टमाटर डाल दिया और उसमें नमक डाल दिया। जैसे ही आप टमाटर डालो तो आप नमक ज़रूर डालो, क्योंकि इससे टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। और इसे थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। और इस तरीके से मैंने मिर्च को खड़ा, आप देख रहे हो, बीच से ऐसे कट कर लिया और मैंने डाल दिया। इससे दिखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है, और जब आप इसे मिर्च को बाद में खाओगे तो इससे मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से करना। और ढककर मैंने 2 से 3 मिनट पकाया। और फिर मैंने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और किचन किंग मसाला डाला है, और कसूरी मेथी डाला है। आप चाहे, अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है, तो आप जीरा धनिया ये सब चीज़ें मिक्स करके आप डाल सकते हैं, पर किचन किंग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें। और उसे थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। और आप देखना अभी इसका कलर कितना सुंदर हो जाएगा, मतलब आपको अब मसाले से ही पता लग जाएगा कि आपकी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनने वाली है। तो ये देखिए मसाला लगभग पक चुका है। हम थोड़ी देर के लिए इसे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें नमक डाला था टमाटर में, तो थोड़ी देर से अच्छे तरीके से पक जाएगा। और ये देखिए मसाले का कलर। और अब मैं जो मैंने सब्जी फ्राई करके रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है, और उसे थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे ताकि मसाले हम अच्छे तरीके से कोट कर ले। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, और यहाँ पर हम नमक एडजस्ट कर लेंगे, जो हमने, आपको याद रखना कि आपने पहले भी नमक डाला है मसाले में। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढककर पकाया है, तो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बनाएंगे सब्जी, तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। और बिल्कुल आपको हल्के हाथों से इसे पलटना है, क्योंकि बैंगन जो है ये बहुत जल्दी जब पक जाती है तो बहुत जल्दी टूटने लगती है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे पकाएं। और थोड़ा सा मैंने बिल्कुल पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं डाला, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हैं, पर मैंने बिल्कुल 1/4 कप इसमें पानी डाला है, ताकि थोड़ा सा मसाला ग्रेवी थोड़ी अच्छी हो जाए बस। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गर्म मसाला और काले मिर्च पाउडर डाला है, और फिर थोड़ा धनिया से मैंने इसे गार्निश किया है।
और उसे थोड़ा सा मिला देंगे, बिल्कुल हम थोड़ा देर ही चलाएंगे और फिर उसे हम ढक देंगे और ढककर पकाएंगे। बिल्कुल 1 से 2 मिनट हमें इसे पकाना, क्योंकि मसाला पहले ही पक चुका है, पानी हमने ज़्यादा डाला नहीं है। और ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। आप देख रहे हैं इसका ग्रेवी, इसके मसाले कितने अच्छे लग रहे हैं, आप यकीन नहीं होगा जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं। और ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, आप इस तरीके से बनाएं। और देखिए बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट में, बिल्कुल कम समय में ये सब्ज़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आई होप अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। और ये देखिए हम बिल्कुल हमारी गर्मा गर्म सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी चावल किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी जरूर